डीएस न्यूज में आपके साथ है अभिषेक कुमार। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद बाराबंकी से। आपको बताते चले कि भारतीय कम्युनिस्ट के पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिला अधिकारी को ज्ञापन प्रस्तुत किया, जिससे किसान विरोधी बिल सहित कई स्थानीय मुद्दों को शामिल करते हुए तत्काल कार्यवाही की मांग की और सैकड़ों तादाद में कार्यकर्ता ने पार्टी कार्यालय में नारेबाजी करते हुए दिखे और जुलूस की शक्ल में आए और ज्ञापन को प्रस्तुत किया। फिलहाल ज्ञापन प्रस्तुत करने में कार्यकर्ताओं ने क्या बताया, क्या संदेश दिया, आइए सुनते हैं। आप देख रहे हो डीएस न्यूज। करके जोतता है, बोता है, फसल लाता है, खाद छोड़ता है, बीज छोड़ता है, इसके बाद बड़ी होती है, जानवर आकर के चर जाते हैं, उनकी कोई व्यवस्था नहीं है। जो गौ आश्रय बने हुए हैं उनमें अगर कोई किसान ले जाना चाहे तो वहाँ पर भी वो सांड नहीं लेते हैं, तो सरकार को उसकी व्यवस्था तत्काल करनी चाहिए और उन सांडों को पकड़वा कर गौ अस्पतालों में। बिजली की क्या है कोरोना काल? बिजली की ये है कि लॉकडाउन के पीरियड में जिन लोगों के बिल गए हैं, वो जितनी भी वो हुई है बिल हैं, उनको लॉकडाउन पीरियड के माफ किए जाए। अच्छा, जो आपने भी एक मुद्दा उठाया था जी, ब्रजमोहन वर्मा की, किसानों को जो कृषि उपज का 17-18 रुपया धान के औसत निर्धारित किया गया है, उसके बावजूद भी जो है किसान 8-9-10 रुपए बेचने मजबूर है, इस बारे में क्या मांग की है आपने? इस बारे में हमारा मांग ये है कि जो केंद्र खुले हैं क्रय केंद्र जी, उन पे तुरंत समुचित व्यवस्था कराई जाए और किसानों का धान वहाँ पे तोलाया जाए। और उसके बाद जो जैसे मान लो कोई 2 किलो 2 बोरी ले जाता है, उसके लिए नकद व्यवस्था नहीं हो पाती है, 2 बोरी के लिए खाद उसको तत्काल जरूरत है, वो कहीं नहीं कर पाता, तो किसके लिए क्या होना चाहिए? इसके लिए भी ये होना चाहिए कि वहाँ पर एक काउंटर खुलना चाहिए और तुरंत जो है अगर कोई 2 क्विंटल 3 क्विंटल बेचता है तो उसको तुरंत भुगतान किया जाना चाहिए। धन्यवाद। ये जो आने वाली फसल है वो भी वो नहीं बो पाएंगे, इसलिए उसको जो है पानी की निकासी तत्काल कराई जानी चाहिए। दूसरा मुद्दा ये है कि उसी जगह चांदसराय है, वहाँ जाने के लिए एक रास्ता है जिसपे पेड़ लगे हुए हैं और उन पेड़ों से आवागमन बंद हो गया है, तो वो तत्काल रास्ते के अवरोध को हटवाए। किसानों की अलग अलग बिल के ऊपर का नंबर एक, जैसे पंजाब और हरियाणा का जो किसान है, उत्तर प्रदेश का जो किसान है वो गेहूँ या धान उत्पादक है और उनके रेट अगर आपके सही नहीं मिल पा रहे हैं तो उनके किसानों का नुकसान है। जहां आपके जैसे बंगाल है, आसाम है, इन प्राविंसेज में आपके छोटे छोटे किसान हैं जो बटाई के ऊपर खेती करते हैं, लेकिन जब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का कॉन्सेप्ट कानून बन गया है तो कॉरपोरेट सेक्टर के लोग आपके उन छोटे किसानों की खेती को ये ले लेंगे, क्योंकि वो आपके उनको बटाई पे मिलने की बजाय वो बटाई कॉरपोरेट सेक्टर को लोग देंगे और उसके बाद जो आपके बेरोजगारी कृषि क्षेत्र में फैलने जा रही है वो अटकेगी। फिलहाल उत्तर प्रदेश के लिए और बाराबंकी जनपद के लिए डीएस न्यूज नंबर 1 चैनल। वीडियो पसंद आए चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, ताकि आपको डीएस न्यूज की सारी वीडियो तत्काल पहुंचे।